असला डेयर स्टूडेंट्स दिस वीडियो लेक्चर इज फॉर क्लास फोर्थ एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर सिक्स ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक दैट इज डिवीजन तो सबसे पहले हम जानेंगे डिवीज़न होता क्या है डिवीजन इज ब्रेकिंग अ नंबर इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स यानी कि आपको क्या करना है डिवीजन होता है किसी भी नंबर को डिवाइड करना इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स जैसे आपके पास है ट्वेंटी थिंग्स आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है फोर स्टूडेंट्स में आपको देखना है एक एक स्टूडेंट को हम क्या क्या देंगे कितनी कितनी थिंग्स देंगे तो आप देखिए ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट वन टू थ्री फोर ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब आपको थिंग्स देखनी है एक एक स्टूडेंट को कितने देंगे तो हम क्या करेंगे इसको भी एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी तो यह है ट्वेंटी नंबर ऑफ थिंग्स दैट मीन्स एक स्टूडेंट को हमें कितनी थिंग्स कितनी थिंग्स देनी है? वन टू थ्री फोर फाइव इसी तरह दूसरे स्टूडेंट को तीसरे स्टूडेंट को और फोर्थ स्टूडेंट को तो ये यहां number of students है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वन टू थ्री फोर और नंबर ऑफ थिंग्स एक एक स्टूडेंट को कितनी देनी है वन टू थ्री फोर फाइव दैट मीन्स ट्वेंटी डिवाइड बाई फोर जब हमने किया तो हमें क्या निकला वन टू थ्री फोर फाइव आया समझ शाबाश तो इस को हम ऐसे भी कर सकते हैं आपके पास है ट्वेंटी थिंग्स फोर स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है तो आपको पता है फोर फाइव आ ट्वेंटी दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो है फाइव अब आप देखिए जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो जैसे यहां पे हमने फोर से डिवाइड किया ट्वेंटी को तो जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो उसको बोलते हैं डिवाइजर जिस नंबर को आप डिवाइड करते हो यहां पे आपने किसको डिवाइड किया ट्वेंटी को तो इसको बोलते हैं डिविडेंट जो आपको वहां से आंसर मिलता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन और जो आपको डिवीजन करके नीचे निकलता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो उसको बोलते हैं डिवाइजर जिस नंबर को आप डिवाइड करते हो उसको बोलते हैं डिविडेंट जो आपको डिवाइड करके आंसर निकलता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन और जो आपको डिवीज़न करके लास्ट में निकलता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर नाउ अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्यूचन देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्या है जब कभी भी आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे खुद से ही तो वहां पे क्या आता है आंसर वन जैसे आप देखिए थर्टी एट को यहां पे इसने डिवाइड किया है थर्टी एट से ही तो जब हम थर्टी एट को डिवाइड करेंगे थर्टी एट से तो वहां पे आंसर क्या आता है वन या वन को इसने डिवाइड किया है 185 से तो आंसर आया वन फर्स्ट प्रॉपर्टी में इसने क्या किया है पहली प्रॉपर्टी में इसने क्या किया इसने नंबर को जैसे यहां पे थर्टी एट है इसने इसको खुद से ही डिवाइड किया तो हमें क्या निकला थर्टी एट वाना थर्टी एट दैट मीन्स जब कभी भी आप किसी भी नंबर को खुद से ही डिवाइड करोगे तो वहां पे आंसर क्या आता है वन अब आप देखिए दूसरी प्रॉपर्टी अब अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे वन से तो वहां पे नंबर ही वापस आता है मीन्स जैसे यहां पे नंब, नंबर क्या है नाइन्टी फोर इसने वन से डिवाइड किया है इसको तो हमें क्या मिला वापस नंबर ही नाइन्टी फोर ऐसे देखिए आप प्रॉपर्टी सेकंड नंबर है नाइन्टी फोर वन से इसने डिवाइड किया तो वन नाइन्टी फोर आ इंटी फोर तो इसको क्या निकला वहां पे आंसर नंबर ही वापस तो अब आप देखिए प्रॉपर्टी थर्ड जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर रिजल्ट्स इन जीरो अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो वहां पे आपको जीरो ही वापस आता है जैसे यहां पे इसने क्या है जीरो डिवाइड बाय फिफ्टी सिक्स तो जीरो ही वापस आया जीरो डिवाइड बाय वन जीरो एट तो जीरो ही वापस आया और फोर्थ uh, प्रॉपर्टी क्या है किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो जैसे ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई जीरो हैं यहां पे ये नॉट डिफाइनेड है या आप नहीं कर सकते हो नाउ वी विल गो ऑन टू द एक्सरसाइज एक्सरसाइज है सिक्स पॉइंट वन और क्वेश्चन है यहां पे ए डिवाइड एंड चेक योर आंसर आपको क्या करना है पहले तो आपको डिवाइड करना है फिर उस आंसर को चेक करना है क्या आपका डिवीजन जो है वो ठीक था या गलत था यहां पे ए पार्ट है टू फाइव नाइन बाई सिक्स आपको क्या करना है आपको डिवाइड करना है टू फाइव नाइन को सिक्स के साथ तो देखिए आप कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर वन है आपको करना है डिवाइड टू फाइव नाइन बाय सिक्स इसका मतलब हुआ टू फाइव नाइन को आपको डिवाइड करना है सिक्स से डिवाइड हम दिखाते हैं इस सिंबल से आप क्या करोगे सिक्स यहां पे टू फाइव नाइन तो सिक्स हमारा डिवाइजर बना टू फाइव नाइन हमारा डिविडेंड बना अब टू को तो सिक्स से नहीं हो जाएगा क्योंकि सिक्स वन सिक्स टू बहुत कम है तो हम क्या करेंगे हम ट्वेंटी फाइव को सिक्स से डिवाइड करेंगे हमें पता है सिक्स थ्री आर एटीन सिक्स फोर आर ट्वेंटी फोर सिक्स फाइव आ थर्टी थर्टी इसको ज्यादा हो जाएगा तो हम करेंगे सिक्स फोर आ ट्वेंटी फोर अब यहां पर फाइव में से फोर जाएगा वन टू में से टू जीरो और यहाँ पे ये नाइन आएगा अब आप देखिए सिक्स थ्री आर एटीन सिक्स फोर आर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इसको ज्यादा हो जाएगा तो हम करेंगे सिक्स थ्री या एटीन नाइन में से एट वन वन में से वन जीरो तो यहां पे आपका डिवाइजर जो है वो है सिक्स डिविडेंट क्या है डिडेंट है टू फाइव नाइन आपका क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है आपका फोर्टी थ्री और रिमाइंडर रिमाइंडर है वन अब हमें चेक करना है तो चेक के लिए आपको फॉर्मूला है चेक के लिए आपको फॉर्मूला है डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर तो आप देखिए आपका डिविडेंट इधर क्या है टू फाइव नाइन टू फाइव नाइन इक्वल टू डिवाइजर आपका क्या है सिक्स इंटू क्वेशन क्या है आपका फोर्टी थ्री प्लस रिमाइंडर क्या है आपका वन तो टू फाइव नाइन इक्वल टू तो सिक्स या एटीन वन कैरी सिक्स ट्वेंटी फोर और वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन टू फाइव नाइन इक्वल टू तो एट और वन नाइन फाइव टू तो आप देखिए टू फाइव नाइन आपको टू फाइव नाइन के बराबर निकला तो आप बोलोगे दस द डिवीजन इज करेक्ट तो आपको ये समझ आया शाबाश अब हम इसका बी पार्ट करेंगे बी पार्ट है थ्री जीरो एट डिवाइड बाई थ्री थ्री जीरो एट डिवाइड बाई थ्री आप करोगे थ्री जीरो एट थ्री थ्री वन आ थ्री यहाँ पे आएगा जीरो थ्री जीरो आ जीरो यहाँ पे आएगा एट थ्री टू आ सिक्स थ्री थ्री आ नाइन नाइन ज्यादा हो जाएगा इसलिए हम करेंगे थ्री टू आ सिक्स एट में से सिक्स टू तो यहाँ पे आपका डिवाइजर क्या है डिवाइजर है आपका थ्री जिस नंबर से आपने डिवाइड किया डिविडेंट डिविडेंट है जिस नंबर को आपने डिवाइड किया थ्री जीरो एट क्वेश्चन जो आपको वहां से आंसर निकला वो है वन जीरो टू और रिमाइंडर जो डिवीजन करके आपको लास्ट में आंसर निकला वो है टू अब चेक करना है आपको आपको पता है चेक करने के लिए आपको फॉर्मूला है क्या डिविडेंट इक्वल टू तो डिवाइजर इंटू क्वेश प्लस रिमाइंडर तो चेक के लिए आपको क्या फार्मूला है डिविडेंट इक्वल टू तो डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अब आप क्या करोगे डिविडेंट आप देखो डिविडेंट क्या है शाबाश थ्री जीरो एट इक्वल टू डिवाइजर आपका क्या है गुड थ्री इंट कोश क्या है शाबाश वन जीरो टू प्लस रिमाइंडर क्या है टू आप करोगे थ्री जीरो एट इक्वल टू थ्री टू आ सिक्स थ्री जीरो आ जीरो थ्री वन आ थ्री प्लस टू आप करोगे थ्री जीरो एट इक्वल टू थ्री जीरो सिक्स प्लस टू आप लिखोगे थ्री जीरो एट इक्वल टू सिक्स और टू एट जीरो थ्री तो आपका जो थ्री जीरो एट है वो थ्री जीरो एट के बराबर निकला दस द डिवीजन इज करेक्ट तो होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद करोगे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ तो तब तक के लिए स्टे एट होम बी हेल्दी एंड अल्लाह ब्लेस यू अल्लाह हाफिज़